इतनी गंदी राजनीति बिहार में हो रही है, दोनों तरफ से गोली चलने की नौबत पैदा किया जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच गहमा गहमी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में लगातार देखा जा सकता है कि जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है, दोनों के बीच जो जुबानी वार है वो साफ तौर पर खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में पप्पू यादव बड़े गुस्से में दिख रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे पूरे भड़के हुए दिख रहे हैं और इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर के मीडिया कर्मियों को ही जमकर खड़ी खोटी सुना दी है। पहले आप पप्पू यादव का उस वीडियो को देख ले। इस तरीके की राजनीति हो रही है, मुझे पसंद नहीं और मुझे प्रेस पे तरस आता है। प्रेस के लोग माफिया को, पैसे वाले को, गलत चीजों को, नफरत को, गुंडे को, आवारा को, जिसका इतिहास कंप्लीट दागदार है, उसको लगातार उन चीजों को प्रस्तुत करना, इसका मतलब आप नए जनरेशन को उधर धकेल रहे हैं और आप नए जनरेशन को कहते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ अपने किसी को गाली दो, किसी को मावन करो, किसी को नफरत करो, किसी को काटो, किसी को मारो, किसी जाति को गाली दो। चुनाव आज है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हम समाज को देके क्या देने जा रहे हैं? समाज को हम बांट रहे हैं, लंबे समय के लिए हम समाज को धकेल रहे हैं। आप कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति शुरू कर दी, आप हो गया रहा है, दो भैंस है एक भैंस चला जाएगा, गाली गलौज की परंपरा, बिल्कुल गाली गलौज की परंपरा। ऐसी ऐसी बातें हो रही, कोई कहता है दलित आरक्षण, कोई कहता है आरक्षण, कोई कहता है मुस्लिम आरक्षण। बाबा साहब संविधान, अंबेडकर के संविधान से अलग कुछ भी इस दुनिया में नहीं हो सकता और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता और न ही मेरी कोई संघीय व्यवस्था को चैलेंज कर सकता। और जिस तरीके से बिहार के प्रेस वाले ने, कई दिनों से मैं देख रहा हूं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से प्रेस के कुछ साथियों ने और लगभग प्रेस के लोगों ने जिस तरीके से, ऐसे लोग जिनका समाज में कोई मतलब नहीं है उसको आप लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको कंप्लीट डाइवर्ट कर रहे हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड की लाइन पर, दोनों तरफ से गोली चलने की नौबत पैदा किया जा रहा है। ये क्या राजनीति है? कल के दिन 100 आदमी बैकवर्ड से मरे, कल के दिन 10 आदमी फॉरवर्ड से मरे। इतनी गंदी राजनीति बिहार में हो रही है और ये सारा काम प्रेस के मीडिया करते हैं। आप अच्छे लोगों को दिखाते नहीं है, आप गलत लोगों को दिखाते हैं। टीआरपी के लिए और पीपल्स के लिए आप सारा कुकर्म करेंगे और भले चैनल के लोग, ये राजनीति सही नहीं है। इस देश की जनता चुनाव लड़ रही है, कोई पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा, कहीं कोई हवा किसी की नहीं है, सिर्फ जनता चुनाव लड़ रही है और उसको गलत ट्रैक लाइन दिया जा रहा है। तो आपने पप्पू यादव के उस वीडियो को देखा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कई मुद्दों को लेकर के बिहार के जो भी पत्रकार हैं उन्हें ही निशाने पर ले लिया है। आपको बता दें कि इस वीडियो को पप्पू यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर किया है। इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर करते हुए पप्पू यादव ने कैप्शन में लिखा कि चुनाव आज है, कल यह खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह चंद चुनावी दिनों में नफरत, जाति, धर्म, व्यक्तिगत आदि चीजों पर बांटी जा रही है, उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या यह कभी सोचा है? आपको बता दें कि पप्पू यादव लगातार लोगों के बीच देखे जा रहे हैं, लगातार वे जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही कई बार उनके फोटोज भी सामने आए हैं जहां वे गरीब लोगों की मदद करते हुए देखे जाते हैं।
इस बीच अब उनका गुस्सा भड़क उठा है और सीधे सीधे पत्रकारों को ही सुना दिया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक पारा है वो भी पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। एक के बाद एक नई नई गतिविधियां हर रोज देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।